भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नवीन में सरकार के जरिए प्रशासनिक मनमानी और गैर जरूरी विकास कार्यों के नाम पर जनता के पैसों की लूट का मामला उठाते हुए बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री लोकनेता गणेश नाइक इस वक्त जन आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वयं गणेश नाइक साहब, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जन आंदोलन, जो आक्रोश, जो रैली है, वो किस लिए है, इसका मकसद क्या है। देखिए कि कोविड जब से शुरू हुआ तब से प्रशासन की यंत्रणा यहाँ पे शुरू होगी। शुरू में ये लोगों ने कोविड सेंटर निर्माण किया, हमें लगा ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन कोविड सेंटर निर्माण करने में भ्रष्टाचार हुआ। कोविड सेंटर में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया उसमें भ्रष्टाचार हुआ। कोविड पेशेंट को जो खाना देने का जो मसला था उसमें भ्रष्टाचार हुआ। उस टाइम में नई मुंबई का ऑक्सीजन चुराया गया, नई मुंबई का पानी चुरा रहे हैं, नई मुंबई के लोगों की नींद भी वो खराब कर रहे हैं, नई मुंबई के लोगों का स्वास्थ्य चुराने का काम लोग कर रहे हैं। अभी आज के तारीख में अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक में हम लोग जाके उधर दर्शन किया, उधर से हम लोग अभी सुधाकर जी सोनावने इनके वार्ड में आए। इस वार्ड में सुधाकर सोनावने और उनके साथी लोगों ने स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग लोगों के माध्यम से हजारों पेड़ का वहाँ पे उधर लगाने का काम किया। आज MRDC अधिकारियों ने अपने आका के आदेश से यहाँ पे हजारों पेड़ों की कत्ल किया और वो प्लॉट MRDC के माध्यम से कई उद्योगपति को दिए गए, दुकानदार वाले, होटल वाले को, बार वालों को दिए गए। अभी उसने इधर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। अभी कोपरी का जो ब्रिज है वो ब्रिज की आज कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे 350 करोड़ रुपया खर्चा करके 400 पेड़ का कत्ल करके वहाँ पे ब्रिज निर्माण करने का उनका इरादा है। शिवाजी महाराज चौक है, वो शिवाजी महाराज चौक में भी वो पुनर्निर्माण के कारण पैसा वहाँ से लूटने का काम इरादा उनका है। सेक्टर 17 में STP के बाजू में घन कचरा से गैस निर्माण करने का उनका इरादा है। ये आयुक्तों को मैंने बोला है कि ये तीनों प्रोजेक्ट आप रद्द करो, वरना हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। या पुलासाठी नवी मुंबई मध्ये 400 झाडांची कत्तल हा जो आहे पर्यावरणाचा खून आहे। पर्यावरण दिवशीच हे आंदोलन आम्हाला करावं लागतंय याचा आम्हाला खेद आहे। ठाकरे सरकारला इशारा आहे, बोगस आणि तकलादू पर्यावरण प्रेम दाखवणं बंद करा। आरेच्या नावावर मेट्रोचा विकास बंद करायचा आणि पुलाच्या विकासाच्या नावावर नवी मुंबईतली 400 झाडे तोडायची ही दोगली दुटप्पी दुशासनाची असलेली भूमिका आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतोय। नवी मुंबईला लुटण्याचा कार्यक्रम ठाकरे सरकारने चालू केलाय। इथले भूखंड लुटले जातात, इथे मोक्याच्या जागेवर
प्रकल्प आणल्याचं भासवलं जातंय, प्रकल्पाचं आणण्याचं काम हे शासकाचं आहे, प्रशासकाचं नव्हे। प्रशासकाच्या नावावर प्रकल्प आणि भ्रष्टाचाराची लूट हा लॉन्ग मार्च या सगळ्याच्या विरोधात आहे, हा इशारा आहे। हे आंदोलन आजपासून अजून गती घेईल। कोविड सुरू झाला आणि त्याच सुमारामध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू झाली। कोविडच्या करता कोविड सेंटर उभारली गेली। सुरुवातीला आम्हाला वाटलं की गरजेचं आहे, परंतु नंतर आम्हाला समजलं की त्या कोविड सेंटर उभारतानासुद्धा भ्रष्टाचार झाला। त्या ठिकाणी ऑक्सिजनचा प्लांट उभारताना भ्रष्टाचार झाला, रुग्णांना जेवण पुरवताना भ्रष्टाचार झाला, औषधाचा पुरवठा करताना भ्रष्टाचार झाला। त्या कालखंडामध्ये आम्ही कोविड सेंटरला व्हिजिट देणं, विविध हॉस्पिटलला व्हिजिट देण्याचं काम करत होतो, प्रशासनाशी बोलणी करत होतो, त्यावेळेला यांचा भ्रष्टाचाराचा कार्यक्रम सुरू होता। आता त्याच्यानंतर कमी तर कमी ज्या ठिकाणी गरजेचे नव्हते त्या ठिकाणी आर एम सीचे 5, 10, 15, 20, 25, 50 कोटीचे रस्ते तयार केले गेले। गरज नव्हती, चांगले रस्ते होते। आज नवी मुंबई जी आर्थिकदृष्ट्या सबल आहे, A++ रेटिंग आहे, तो रेटिंग तोडण्याचं काम चालेल आणि ते तोडताना चांगले सकारात्मक गोष्टी करता नाही तोडलं, स्वतःच्या स्वार्थाकरता लूट केली त्या लोकांनी। नवी मुंबईचं पहिले तर पाणी चोरलं, नवी मुंबईच्या ऑक्सिजनचा गॅस त्याला चोरला, नवी मुंबईच्या लोकांचं सुख हिरावण्याचं म्हणजे चोरण्याचं काम या लोकांनी केलेलं आहे। आणि त्यातल्या त्यात मगाशी तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे MIDC भागामध्ये सुधाकरजी सोनावणेंच्या कालखंडामध्ये हजारो झाडं लावली गेली, विद्यार्थ्यांनी लावली, अपंगांनी लावली, ज्येष्ठांनी लावली, आणि अशा प्रकारची वाढलेली झाडं MIDC अधिकाऱ्यांच्या मार्फत त्या ठिकाणी तोडली गेली। आणि भविष्य काळामध्ये एकाही झाडाला जर हात लावला गेला तर त्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालून त्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून दिली जाणार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TVवर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।